अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं होगा तो भी यहाँ पर शिवसेना अपने बलबूते पर अपना मेयर बिठा सकती है। उसका कारण है आज भी शिवसेना के साथ 45 कारपोरेटर है। नाइक साहब है ना, पहले शिवसेना में थे, उसके बाद में उन्होंने खुद की पार्टी निकाली, उसके बाद में NCP में गए, उसके बाद में अभी BJP में गए, तो लोगों का विश्वास नहीं रहा। कल अगर हमने इनको वोट किया परसों कौन सी पार्टी में जाएंगे, वो विश्वास नहीं है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने वार्ड प्रारूप जारी कर दिया है। अब नवी मुंबई में 111 की बजाय 122 वार्ड हो गए हैं। इसे लेकर BJP और उसके जो सीनियर स्थानीय नेता हैं गणेश नाइक, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उनका इशारा सीधे तौर पर सत्ताधारी यानी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरफ है कि सरकार ने जानबूझकर साजिश के तहत BJP को परास्त करने के लिए इस तरह की साजिश की है और वार्ड संरचना में धांधली हुई है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के सीनियर लीडर और जिला प्रमुख विट्ठल मोरे साहब हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि गणेश नाइक साहब का आरोप है कि वार्ड का जो प्रारूप जारी हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है, राजनीतिक साजिश है, क्या कहेंगे सर आप? आज नवी मुंबई कॉरपोरेशन का इलेक्शन का वार्ड फॉर्मेशन डिक्लेयर हुआ है और वार्ड फॉर्मेशन डिक्लेयर होने से उन्होंने एक वक्त दिया है, टाइम दिया है कि 14 फरवरी तक आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन और सजेशन ले सकते हैं। तो हर वोटर को, हर मतदाताओं को यहाँ पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये प्रशासकीय प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट है, स्टेप्स है। तो इसको जो कोई यहाँ पर समझते हैं भाई मुझे इस तरह का वार्ड रचना ये ठीक नहीं हुआ है, तो अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, क्यों आपको इलेक्शन कमिश्नर ने आपको 14 दिन का टाइम दिया है, तो उसमें कोई गलत नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाना कोई गलत नहीं है। लेकिन जानबूझकर आप अगर पॉलिटिकली इसको मोटिवेट करेंगे तो वो गलत है, क्यों ये आखिर में काम कौन किया है? प्रशासन, और प्रशासन जवाब देने के लिए भी आपको उसकी उनकी जिम्मेदारी है। तो खुद इलेक्शन कमिश्नर आपको जवाब, आपको हियरिंग देंगे, आप ऑब्जेक्शन लीजिए, ऑब्जेक्शन के बाद में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे की प्रक्रिया करिए, हमें कोई उसमें तकलीफ नहीं है और कोई दुख नहीं है। जिस तरह से ये बात कही गई है कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने ही इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश थे उसको नजरअंदाज कर दिया, इस धांधली की आशंका पहले जताई गई थी और शिकायत की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया था, लेकिन महानगर पालिका के कुछ उच्च अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, शायद उनके ऊपर सत्ताधारियों का दबाव रहा होगा। क्या जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं आपकी पार्टी या आपकी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? मुझे ये स्टेटमेंट का बड़ा अचरज लगता है, क्यों? पिछले 25 साल माननीय नाइक साहब खुद लीडरशिप कर रहे हैं और हर इलेक्शन के टाइम में ये सब उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर एक टाइम, फर्स्ट टाइम इस तरह का अगर कोई वहाँ पर वार्ड फॉर्मेशन हुआ और उसमें उनको गलती लग रही है तो 25 साल आप कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपको ज़्यादा जानकारी उसकी है, आप जो दूसरे को आप बोल रहे हो भाई आपने गलती किया, आपके प्रशासन ने गलती किया, आप पॉलिटिकली उसमें इंटरफेरेंस किया, इस तरह का ऑब्जेक्शन नाइक साहब का अगर है तो 25 साल आप वही कर रहे थे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब दूसरे की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो तीनों उंगली आपकी तरफ है, इसके भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसका ये मेरी भी आपको रिक्वेस्ट है। कल सर विजय नाहटा साहब का बर्थडे मनाया गया और उसमें एक तरह से महाविकास आघाड़ी के जो नेता थे बड़े पैमाने पर मौजूद थे, क्या ये शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है? चूंकि अब एक दिन बाद ही वार्ड की संरचना का घोषणा होनी थी और उसके पहले ही बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का इस तरह इकट्ठा होना और फिर से नए सिरे से जीत का दावा करना, क्या थी, कोई रणनीति थी? नहीं नहीं नहीं, देखिए नाहटा साहब का जन्मदिन ये कोई मतलब रणनीति हो नहीं सकती, उनका जन्मदिन का डेट कोई चेंज नहीं हुआ है, उसी दिन जिस दिन उनका 31 जनवरी उनका जन्मदिन है, 1953 को उनका जन्म हुआ, वो 31 जनवरी को हुआ और उसमें उस दिन उनका जन्मदिन यहाँ के सारे लोगों ने, नवी मुंबई के शिवसेना ही नहीं,
राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग थे भी, अपने कांग्रेस के लोग थे, तो उन्होंने मिलकर वहाँ पर जो वहाँ पर उनका सेलिब्रेट किया जन्मदिन, तो वो एक दिन था और बहुत अच्छा लोग, मतलब अच्छे पैमाने पे लोग आ गए, तो वो कोई साजिश नहीं थी और वो कोई प्लानिंग नहीं था, वो जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था वो एक इवेंट बन गया। तकरीबन 2 साल हो गए हैं प्रशासक राज चल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं बार बार सरकार के ऊपर कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के जरिए ये पूरा प्रशासन चलाना चाहती है। कब चुनाव होगा मुंबई महानगर पालिका का? आप तो जानते हैं और विरोधी पक्ष के लोग भी जानते हैं, पिछले 2 साल एक कोरोना का पेंडेमिक था, आज हम समझते हैं उसमें थोड़ा सा छुटकारा हमको मिल रहा है और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है। देखिए, कोई उसमें खामी नहीं रखी, देर नहीं की, जब कोरोना का बीमारी थोड़ा कम हो रहा है तभी इलेक्शन तुरंत डिक्लेयर हुआ, वार्ड फॉर्मेशन आज हो गया, तो इलेक्शन शायद मार्च एंड में या अप्रैल में हो जाएगा। तो जो प्रशासन है या जब जो अभी रूलिंग पार्टी है, जैसे आदरणीय उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं या महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो उनका काम बनता है, तो उन्होंने तुरंत ये इलेक्शन डिक्लेयर किया है और इलेक्शन टाइम पर होगा। वो इलेक्शन देर करने में कोई प्रशासन को सपोर्ट करने का, पॉलिटिकल माइलेज लेने का रूलिंग पार्टी का कोई इरादा नहीं है। शिवसेना दावा करती है कि इस बार हर हाल में महानगर पालिका में भगवा लहराएगा, कितना आपको जो स्ट्रेटजिकली जो तैयारी चल रही है वो किस तरह की है? क्या बीजेपी और गणेश नाई को परास्त कर शिवसेना इस बार वाकई भगवा लहराएगी महानगर पालिका? इसमें कोई शंका नहीं है, क्यों हम देखें पिछले 2-2.5 साल से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो काम चल रहा है, भाजपा का लोग, तो ये काम लोगों को बिल्कुल जस्ता नहीं है। लोग बोलते हैं एक शिवसेना या महाविकास आघाड़ी अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर संभाल रहे हैं, ऐसे वक्त पर अगर इस तरह भाजपा का लोग जो अच्छे काम को विरोध कर रहे हैं, ये पहली बात लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। दूसरा बात रहा, ये कोरोना के टाइम में जिस तरह उद्धव साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर या पार्टी प्रमुख उन्होंने जो लोगों के लिए काम किया, आम महाराष्ट्र के लिए, नवी मुंबई के लिए, यहाँ पर हमारे गार्डियन मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब उन्होंने जो काम किया, वैसे ही हमारे एमपी मिस्टर राजन जी विचारे, हमारे उपनेता श्री विजय जी नाहटा और सारे हमारे पूरे पदाधिकारी, इन्होंने जो अपने अपने इलाके में जो काम किया है वो काम इतना लोगों को अपील कर रहा है कि भाई आप इलेक्शन कभी भी ले लो, हम आपके साथ में हैं, ये मैसेज लोगों ने दिया है, ये हम ज़बरदस्ती लोगों पर नहीं कर रहे। तो देखा कल अपने जो उनका जो जन्मदिन था, इतना बड़ा रश हो गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन का आज करो, कल करो, परसों करो, शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ अपना महापौर बैठाएगी और नवी महापालिका पर भगवा लहराएगा, ये पक्की बात है। सर, एक दो आखिरी सवाल, अब जब वार्ड संरचना हो गई, आप खुद कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही मार्च या अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में क्या कोई प्राइमरी प्राथमिक तौर पर कोई इस तरह की तैयारी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ किस तरह का गठबंधन होगा? क्योंकि जो कांग्रेस के आला कमान है यहाँ पर प्रांताध्यक्ष हैं, वो लगातार इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ में नहीं है, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे में किस तरह से शिवसेना मुंबई महानगर पालिका में अपना झंडा लहराने के लिए कैसे इन पार्टियों को साथ में रखेगी? देखिए, अभी राज्य में जो गवर्नमेंट चल रही है वो महाविकास आघाड़ी की है, ये अनुभव आम जनता को आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, शिवसेना के चीफ मिनिस्टर है, तो उनको जो अनुभव वहाँ पर पार्टी करके जे ले रहे, उनको काम करने का मौका मिला अभी महाविकास आघाड़ी में आने से, वैसे ही नवी मुंबई महापालिका में अगर उन्होंने तो उन्होंने तीनों पक्ष ने साथ में आकर काम किया तो बट नेचुरल यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। मैं समझता हूँ करीबन 80-90 तक ये सीटें जाएगी और सामने वाले लोगों को ये पछताना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने गलत काम किया है वो उनको भोगना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, अग्रणी स्ट्राइक लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1995 से लेकर चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन नवी मुंबईकर जो है, नवी मुंबई की जनता जो है, वो अग्रणी स्ट्राइक के साथ रही है,
तो और इस बार भी जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत बीजेपी या गणेश नाइक साहब को मिलेगा। तो ऐसे में शिवसेना किस तरह से ये दावा कर रही है कि वो जीतेगी, क्या वाकई नवीन बईकर अब शिवसेना के साथ में आ गए? नाइक साहब है ना, पहले शिवसेना में थे, उसके बाद में उन्होंने खुद की पार्टी निकाली, उसके बाद में एनसीपी में गए, उसके बाद में अभी बीजेपी में गए। तो लोगों का ये विश्वास नहीं रहा कि ये कल अगर हमने इनको वोट किया वो परसों कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये विश्वास नहीं है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आपके साथ नहीं आती तो क्या शिवसेना की ताकत अब नवीन भाई में इतनी बढ़ गई है कि शिवसेना अपने दम पर भी ये महानगर पालिका चुनाव जीत सके? ये बात तो पक्की है, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं होगा तो भी यहाँ पर शिवसेना अपने बलबूते पर अपना मेयर बिठा सकती है। उसका कारण है, आज भी शिवसेना के साथ 45 कॉरपोरेटर है और अभी 111 के बदले 122 का कॉरपोरेटर के सीट हुए हैं और उसमें शिवसेना मैं समझता हूँ 80 सीट तो जी लेगी लेगी। हम अगर 122 सीट लड़े तो 75-80 सीट शिवसेना की जीत के आएगी, ये हमारा दावा है। और उसमें सर उसमें फिर सत्ता आपकी बन जाएगी अकेले? डेफिनेटली, अगर अकेले भी लड़े तो सत्ता है और साथ में लड़े तो हम दूसरे को मदद करने की सत्ता हमारी रहेगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि अब शिवसेना की तैयारी इस तरह की है कि चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भले साथ में ना आए लेकिन जनाधार इतना है, तैयारी इस तरह की है, जनसंपर्क इतना बढ़ गया है और इस तरह के जिस तरह से काम चल रहा है उस रणनीति के हिसाब से शिवसेना को पूरा विश्वास है कि वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ेगी तो भी महानगर पालिका चुनाव जीतेगी और महापौर भी खुद बनाएगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी 1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी 1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।